गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाने वाले हैं। दोस्तों यही चैप्टर है जहां पे डिफाइन हुआ कि एक नई प्रोसेस है जिसे बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। सर, एडियाबेटिक प्रोसेस का सीधा सा मतलब यह है नॉट टू चेंज हीट। यानी सीधी सी बात है कि सिस्टम में से हम लोग सराउंडिंग में जाए तो दोनों के बीच में हीट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। यानी हीट चेंज नहीं होनी चाहिए, हीट रिमेन कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। आपको लगे सर इसमें क्या है, डेल्टा क्यू जीरो हुआ तो दोस्तों यहीं से मतलब आया। क्या था थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दोस्तों ये पहली प्रोसेस ऐसी आई कि जिसमें हीट चेंज जीरो, तो ये जीरो हो गया। सो डेल्टा यू, ये डेल्टा वी, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। दोस्तों ये पहली बार आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिला जिसमें आप ऐसा बोलोगे कि अगर आपका वर्क पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। उल्टा बोलो, अगर आपका वर्क नेगेटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। अब सर आपने बोल तो दिया कि एक नई प्रोसेस आई एडियाबेटिक प्रोसेस, अब उसको समझना। दोस्तों उसका ऑफिशियली फॉर्मूला है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा का मतलब आप जानते हो, गामा हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिफाइन कर दिया था, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। रिपीट दोस्तों, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। अब मैं इसको क्या देख सकता हूं, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं P को सब्जेक्ट बनाऊं तो V रेस टू गामा नीचे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं P इज इक्वल टू K V रेस टू माइनस गामा। आपको लगे सर इतना आप एक्यूरेट क्यों हो रहे हो, उसका रीजन है हमें परफेक्शन में जाना है, हमें वर्क चाहिए। आप सबको पता है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है वर्क मतलब इंटीग्रेशन पीडीबी। अब दोस्तों मैं दो स्टेज की बात करने वाला हूं। मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास ये फर्स्ट स्टेज है, उसमें से हम लोग सेकेंड स्टेज में जाने वाले हैं। रिपीट, फर्स्ट स्टेज में से हम लोग सेकेंड स्टेज में जाने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज पे ये उसके फिजिकल क्वांटिटीज थे, इनिशियल बेस पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर 111, और फाइनल प्रोसेस पे P2, V2, T2। अब क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों एक काम करो, अब चालू कर दो प्रोसेस, P की वैल्यू यहां पुट करो, इंटीग्रेशन V1 से V2, P की जगह K V रेस टू गामा इंटू V1। दोस्तों K कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, V1 से V2 यहां पे क्या आया, V रेस टू माइनस गामा इंटू D K। दोस्तों V रेस टू माइनस गामा है तो क्या करेंगे सर, एक पावर बढ़ेगा, बड़ा हुआ वो नीचे आएगा। स्टेज कहां से कहां ले जा रहे हैं, V1 से V2। अब दोस्तों इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, K कांस्टेंट रखो, रूल्स के हिसाब से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब वर्ग ढूंढना है, इसको 1 माइनस गामा लिखना सीखो दोस्तों। अगर मैं K को अंदर ले जाता हूं तो K V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1, K V1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1, ब्रैकेट 1 माइनस गामा, यहां पे क्या आया V2 माइनस गामा प्लस 1 V1 माइनस गामा प्लस 1। तब आपको समझना पड़ेगा कि K क्या है, K का मतलब क्या। देखो दोस्तों आप इसको ही ध्यान से देखना और समझना, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी बार लिख दिया PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
आपके पास दो प्रोसेस थी, एक इनिशियल स्टेज था तो आप 1-1 लिख दो, फाइनल स्टेज के लिए आप 2-2 लिख दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो जिसके साथ जो है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास v2 है तो आप v1 वाला टर्म यूज कीजिए, p2 v2 raised to 1। 1 है इसके साथ 1 वाला यूज कीजिए, p1 v1 raised to 1। क्यों किया? आप देख सकते हो आपको बहुत ही बढ़िया काम मिल गया, ये आपका p2 वैसा वैसा, v2 का -gamma पर कट 1 मिला, बिल्कुल वैसे p1 v1 मिलेगा 1 -gamma। हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला। दोस्तों ये वर्क का फॉर्मूला प्रिपेयर कर देना, p2 v2 - p1 v1 upon 1 - gamma। दोस्तों ये हमारा मेन इक्वेशन मिल गया। अगर आपको कोई वर्क पूछे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कोई बोले नहीं सर आपको टेम्परेचर ही दिया है तो सर आपको आइडियल गैस का फॉर्मूला पता था, PV = μRT। रिपीट दोस्तों, PV = μRT। अब दोस्तों आपको याद करवाओ, वन स्टेज, सेकंड स्टेज। तो क्या आया आपका फॉर्मूला? P2 V2 की जगह वैल्यू पुट कर दो μRT2 - μRT1 अपॉन 1 - γ। दोस्तों म्यू आर को मैं कॉमन निकाल दूं, T2 - T1 upon 1 - γ। दोस्तों ये मेरा वर्क का दूसरा फॉर्मूला आ गया, इसको भी मैं रेड मार्कर से डिफाइन कर लेना है। यस सर, अगर आपको टेम्परेचर दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो। हो गया आपका मोस्ट IMP थ्योरम। दोस्तों इसके साथ एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट की बात करते हैं, अगर आपका वर्क ग्रेटर देन जीरो है तो सर अभी आपने बोला उसकी इंटरनल एनर्जी लेस देन जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी लेस देन जीरो तो सीधी सी बात है चेंज इन टेम्परेचर लेस देन जीरो। चेंज इन टेम्परेचर लेस देन जीरो इसका मतलब T2 - T1 < 0, इसका मतलब T2 छोटा है T1 बड़ा है, इसका मतलब सर ये ठंडा हो रहा है। समझना, वर्क आपका पॉजिटिव मिला, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। रिपीट, क्योंकि सीधी सी बात है आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। चलो उल्टा, उसके साथ हम लोग उल्टा बनाते हैं। स्टार्ट, अगर मेरा वर्क नेगेटिव आया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब T2 - T1 > 0, मतलब T2 बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट फूलेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दोस्तों एक मोस्ट IMP थियरी समझ ली, उसके दो बढ़िया कंसेप्ट समझ लिए। इसके साथ मैं आपको याद करवाऊ, मेरे को चार ग्राफ एक साथ समझने। अगर ये चार ग्राफ आपने समझ लिए तो दोस्तों इसमें से कोई भी MCQ आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, प्रेशर अपोजिट वॉल्यूम का ग्राफ। दोस्तों ध्यान से देखना, अगर मैं पहली बात करता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बॉयल्स लॉ हो गया, आप सब जानते हो ये आ गया, तो इसका स्लोप आएगा -P/E, डिक्रीज हो रहा है। सर अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा आएगा कि ये P1 से लेके P2 तक पहुंचेगा ऐसे, ये इसका इनिशियल स्टेज है, इसका फाइनल स्टेज, तो देख सकते हो ये वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप इंफिनिटी हो जाए जब V कांस्टेंट। चलो अब मैं बोलता हूं एक काम करो, टेम्परेचर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, अब चलो याद करो आइसोकोरिक, प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक। सर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ये आपका इनिशियल V1 से लेके ये आपका V2, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो आपका स्लोप जीरो हो जाए। अब जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक नई प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस के जिसमें हीट कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ
ऐसा ही आएगा, और इसका स्लोप माइनस गैमा पी बाय। दोस्तों ध्यान रखना है यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस थी, इसलिए सिर्फ पी बाय वी आया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो गैमा इन्वॉल्व हुआ, माइनस साइन इंडिकेट्स कि डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से मोस्ट आईएमपी लेक्चर दो बार लिखना पक्का कर देना, क्योंकि ये लगातार एग्जाम में आता रहता है और आप सबको आना चाहिए दोस्तों।